हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपना आय जाति निवास चेक कर सकते हैं कि आपके आय जाति निवास में कोई भी डिटेल खराब इंफॉर्मेशन तो नहीं है, आपका नाम तो गड़बड़ी नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो ये सब कुछ आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो सिंपली से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है edistrict.dist.rik, edistrict.। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं भी है तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। मैं तो यूपी से हूँ तो सिंपली से मैं यूपी डाल देता हूँ। इतना डालने के बाद फिर से डॉट लगा देना। डॉट लगाने के बाद फिर आपको NIC पे इस प्रकार से करने के बाद फिर आपको डॉट इन कर देना है। इतना लिखने के बाद गो पे क्लिक कर देना है, या फिर आप डायरेक्टली सर्विस मतलब NIDistrict सर्विस पोर्टल लिख कर सर्च करा देना। तो हो चुकी है, यानी देख सकते हैं जब आपकी रीलोड हो जाएगी वेबसाइट तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों, आपको अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली से आपको अपना यहाँ पे अगर अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर से देख सकते हैं, वरना आप अपना मतलब नाम एंड इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो सिंपली से आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो सिंपली से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट ID, तो आपका आय जाति निवास में जो दे रखा है तो वो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर दो अंक दिए होते हैं, एक दिया होता है अप्लीकेशन क्रमशः, फिर उसके नीचे दिया होता है सर्टिफिकेट ID, तो वो दोनों आपको दे देना है। तो सिंपली से पहले अप्लीकेशन क्रमशः आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे दे चुका हूँ। तो सिंपली से मैं आप जो मेरा एक्सपायर हो गया मैं वो वाला आपको देंगे, ठीक है ना। वो देने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना वो दे देना है, तो सिंपली से मैं वो दे देता हूँ। वो देने के बाद फिर मैं, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना, और ना ही मैं आपको ये सर्टिफिकेट आईडी नंबर दिखाना चाहूंगा। तो सिंपली से आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, मेरा ये वो रॉन्ग बताएगा क्योंकि मेरा ये एक्सपायर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं वो रॉन्ग एप्लीकेशन नंबर, यानी कि मेरा ये एक्सपायर हो चुका है। अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो आपका सिंपली पूरी डिटेल्स एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह टेक्निकल अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।